जबरदस्ती हम तुम्हारी लड़की को नहीं ले जा रहे हैं, ये हमारे साथ जा रही है, और ले जाना चाहता हूं तो ले जा, अगर लड़ने की बात है तो फिर तू सामने आ जा। तो इसी बात के पीछे उत्तम कुबेर में घमासान युद्ध शुरू हो गया। परिणाम ये हुआ, उत्तम यार कुबेर में शुरू हो गया। परिणाम ये हुआ है कि कुबेर से उत्तम हार गए, और धोखे से उस कुबेर ने उत्तम को जान से मार डाला। लड़की को साथ लेकर के अपनी राजधानी की ओर भाग खड़ा हुआ। घमासान युद्ध शुरू हो गया। परिणाम ये हुआ, कुबेर ने उत्तम को जान से मार डाला, लड़की को साथ लेकर के अपनी राजधानी की ओर भाग खड़ा हुआ। ध्रुव को जब पता चला है कि हमारे भैया को कुबेर ने मार डाला, तो ध्रुव सुदर्शन चक्र लेकर के भागे, लेकिन भगवान बीच में कूद पड़े। कहा बेटा, क्रोध में आकर के तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम्हारे भैया की जिंदगी इतने ही दिन तक थी, तुम अपने क्रोध को शांत करो। भगवान के बार बार कहने के आधार पर ध्रुव अपने क्रोध को शांत करते हैं। पर ध्रुव की शादी हुई, कुछ दिन तक तो राज्य किया ध्रुव ने, अपने बेटा उत्कल को राज्य देने के बाद ध्रुव फिर से निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। इस तरह ध्रुव ने हजारों मुसीबतों का सामना किया, अंत में भगवान की गोदी ही प्राप्त हुई। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, जो एक लाइन आला के बारे में कह रहे, मैं सुना दे रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, आला के बारे में अनुभव नहीं, आला हम लोग नहीं गाते हैं। फिर भी एक लाइन